शानदार खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सीतापुर पुलिस को आज मिली बड़ी कामयाबी। सीतापुर जनपद में अपराधियों के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक आनंद कुलकर्णी द्वारा लगातार चलाए जा रहे अभियान के दौरान मधुबन कुमार सिंह अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी की दिशा निर्देश व योगेंद्र कुमार सिंह क्षेत्राधिकारी अपराध के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच व थाना इमलिया सुल्तानपुर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही थी एवं पुराने अपराधियों जेल से रिहा अपराधियों की निगरानी की गई। इस क्रम में संयुक्त पुलिस टीम द्वारा आज महत्वपूर्ण सफलता मिली। मुखबिर की सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई के दौरान नवा अंबरपुर की तरफ से आने वाली व्यक्तियों पर नाकाबंदी करते हुए तीन साथी लुटेरों सोमपाल पंकज रविंद्र को लूटी हुई मोटरसाइकिल व लूटे हुए 5,000 की नगदी के साथ गिरफ्तार किया। लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इनके नाम सोमपाल पासी, पंकज पासी और रविंद्र यादव है। ये तीनों मोहली थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके द्वारा जनपद में कई लूट की घटनाएं जो है पिछले विगत कुछ महीनों में जो है की गई है, जिसमें से दो घटनाएं जो है महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनका खुलासा हुआ है। जिसमें से एक घटना में इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति से रात में 10:30 बजे के आसपास में एक बाइक की लूट की गई थी और कुछ कैश भी उसका लूटा गया था। इसके अलावा रामपुर थाने में फरवरी महीने में एक व्यक्ति से 20,000 रुपये की लूट हुई। इन दोनों घटनाओं का खुलासा करते हुए इसमें जो कैश लूटा गया था वो बरामद हुआ है। इसके अलावा बाइक और 5,000 रुपये बरामद हुए हैं। इन तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके भेजा जा रहा है और इनका एक लंबा आपराधिक इतिहास भी है। पंकज पासी और रविंद्र यादव के खिलाफ जो है लगभग आधा दर्जन मुकदमे जनपद के विभिन्न थानों पर पंजीकृत।